केरल स्टोरी की रिलीज के बाद चर्चा में आई अदा शर्मा इस वक्त पहचान की मोहताज नहीं है और लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं। अदा शर्मा द केरल स्टोरी की रिलीज के बाद से ही लगातार अपनी फिल्म पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस इस फिल्म पर विरोध करने वाले लोगों को भी अच्छा जवाब देती हुई देखी गई। हालांकि अब जो उनकी तस्वीर सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है और लोग इस पर कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल अदा शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो घायल अवस्था में दिख रही है, उनके चेहरे से खून निकल रहा है। अगर आप भी इसको देखकर चौंक गए हैं तो रुक जाइए, यह असली खून नहीं बल्कि मेकअप है। अदा शर्मा की इस तस्वीर के सामने आते ही लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर उस समय की है जब फिल्म में अदा शर्मा ISIS के लोगों से बचकर भाग रही होती है। ये तस्वीर देखकर हर कोई ये बात समझ जाएगा कि अदा ने अपने काम को कितनी शिद्दत के साथ किया है। शेयर की गई तस्वीर एक कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। अदा ने खुलासा किया कि बेहद ठंडे मौसम में उन्होंने 40 घंटों तक खुद को हाइड्रेट रखा था जिसके चलते उनके होंठ बुरी तरह से फट गए थे। अदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर की और लिखा, सन किस्ड आफ्टर एंड बिफोर फ्रॉम द केरल स्टोरी। ऐसे फटे फटे होठों का राज, -16 डिग्री में 40 घंटों तक खुद को हाइड्रेट करें। इसके अलावा अदा ने यह भी लिखा कि पीछे गद्दा गिरने की प्रैक्टिस के लिए रखा गया था, हालांकि उन्होंने इसका यूज नहीं किया। तस्वीरों में अदा की हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा। इसके अलावा आखिरी तस्वीर के लिए अदा ने लिखा कि उन्होंने बालों में नारियल का तेल, सेफ्टी पिन और टाइट चोटी बनाई हुई है। अदा ने शेयर किया कि ये तस्वीर फिल्म में एक अहम सीन की है जहां उनका कैरेक्टर ISIS से बचकर जाना होता है और उन्हें जमीन पर गिरना पड़ता है। वेल, इस फिल्म को उम्मीद से ज्यादा पसंद किया गया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अभी तक द केरल स्टोरी ने 230 करोड़ का कारोबार कर लिया है। वैसे आपको द केरल स्टोरी में अदा शर्मा की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज़, एक अलग नजरिया खबरों का।